कांग्रेस पार्टी दे आगू राहुल गांधी आज पंजाब दे उम्मीदवारां नूं लै के श्री दरबार साहिब नतमस्तक होए, जिस दे बाद हुण बीजेपी पार्टी दे आगू सरदार मजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी ते सवाल साधे ने। आप जी नूं दस दईए कि सरदार मजिंदर सिंह सिरसा पासों पंजाब विच कांग्रेस पार्टी दे वल्लों जिहड़े 117 कैंडीडेट्स उतारे गए ने उन्हां दे उत्ते सिद्धे सवालां निशान साधे गए ने। आओ आप जी नूं सुनाने आ की कुछ किया सरदार मजिंदर सिंह सिरसा ने। अज श्री दरबार साहिब अमृतसर, जिस ते कदी इंदिरा गांधी ने तोपां ते टैंकां नाल हमला किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप के सीने च गोलियां उतारियां, जिहड़े स्वरूप अज भी उत्थे मौजूद ने, उस स्थान पर अज उहदा पुत्रा राहुल गांधी 117 कैंडीडेट नाल लेके गया। कहिंदा जी की करना है, मैं अरदास करना है, इन्हां दी जित दी अरदास करना है। यार क्या विडंबना है, मैं बड़ा हैरान हाँ। 117 कैंडीडेटा ने भी नहीं यह किया कि समूह ना राहुल गांधी तो उत्थे चलिया, आप समूह ना जाके गल करांगे। पहला राहुल गांधी दोवें हाथ जोड़ के इत्थे खड़ा होके ये तो कह कि गुरु साहब, असी साडे परिवार ने बहुत वड्डा पाप किया, मेरे पिता ने पाप किया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के स्वरूप जिहड़े दिल्ली जो हालात किए, मेरी दादी ने पाप किया, जिहड़ा इत्थे आके हमला किया तोपां टैंकां नाल, मैं उहदी माफ़ी मंगना आया। पहला मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहुंदा, इन्हां दा चेहरा देख लो, लोड जदों साणू डांगा ना चलाउणा सी, गोलियां ना चलाउणा सी, तोप टैंक लैके पहुँच गए सी, ते अज वोटां मंगणियां ते हत्थ जोड़ के पहुँच गया। यह असली चेहरा है गांधी परिवार का। पर मैं 117 कैंडीडेटा ते मैनूं बड़ा अफसोस हो रहा है, तुसीं उसे राह तुर पए जे, तुहानूं वी जरा लज्जा ना आई, मासा तुहानूं यह सोचना आई कि किस मूँह नाल श्री गुरु दे जाके दर ते खड़े होवांगे, इस पापी दे नाल जाके गुरु दे दर च आके खड़े होगे तुसीं।